उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी बनाया कि मेरी बेटी, मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है, उसको उसका हक मिले। उसके वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि। शादी हमारी हुई है। भोजपुरी जगत के जाने माने एक्टर और बीजेपी के सांसद रवि किशन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी हाँ, एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला है जो अपना नाम अपर्णा ठाकुर बता रही है और उनके साथ एक लड़की भी है। इस वीडियो के जरिए अपर्णा ठाकुर जो है रवि किशन पर बड़ा इल्जाम लगाते दिखाई दे रही है। जी हाँ, अपर्णा ठाकुर कह रही हैं कि रवि किशन उनके पति हैं और ये जो बच्ची है वो उनकी बेटी है और रवि किशन ने अपने परिवार वालों के सामने, अपने दोस्तों के सामने मुंबई में साल 1996 में उनसे शादी की थी, लेकिन वो उनको बीवी का अधिकार नहीं देते हैं। देखिए, ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, पहले जो महिला बातें बता रही हैं रवि किशन को लेकर हम आपको वो सुनाते हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या पूरा मतलब है? मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है, उसको उसका हक मिले। उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। एक बड़ा आरोप आप लगा रही हैं। हाँ, किस रवि, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, किस रवि किशन की बात कर रही हूँ पहले ये बताइए। मैं जो रवि किशन है उन्हीं की बात कर रही हूँ, जो आप कह रहे हैं। वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। हाँ, तो मैं रवि की बात कर रही हूँ। आप फिर से अपने जवाब को दोहराइए। हाँ, क्या आप क्या मांगे हैं, आप किस तरह की आज यहाँ मांग लेकर आई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरी ये मांगे हैं कि मेरी डॉक्टर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफकोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांगे और कुछ नहीं है। और उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बट मैं कोर्ट में भी जाने वाली हूँ। आई विल गो बाय लॉ एंड आई ट्रस्ट लॉ। क्या वो जो आपकी बेटी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, आप नहीं सामने कर रहे हैं एक्सेप्ट? आप समझ रहे हो, जब सामने सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते। आपकी शादी हुई है रवि किशन से? या शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी बनाया है। और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी। उसके मेरे पास में काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स भी है, हम तीनों के भी फोटोग्राफ्स है। कब शादी हुई थी आपकी? हम लोग की हुई थी 96 में। कहाँ पर? हाँ, जगह पर हुई थी, बॉम्बे में। शादी के नहीं है, क्योंकि देखो क्या है ना, तब फ़ोन ही नहीं था, आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो पहले की बात है वो फ़ोन नहीं था। बट हाँ, हम लोग घूमते फिरते थे तो हम तीनों के बहुत सारे फोटोग्राफ साथ में हैं, मेरे उनके भी साथ में हैं, जो बच्ची साथ में है, मैंने सिंदूर लगाया हुआ है और काफ़ी सारे ऐसे फोटोग्राफ्स भी है वीडियो के। उनकी मम्मी डैडी के साथ में भी वीडियो है, जो उनकी बहन की लड़की है वो कह रही है मामी आप अपने सास ससुर के लिए कुछ कहो, वो सारे वीडियो है जो मैं कोर्ट में देने वाला। तो सुना आपने महिला का क्या कुछ बयान जो है वो सामने आया है। बता दें कि लोकसभा 2024 का चुनाव होना है, ऐसे में बीजेपी के सांसद है गोरखपुर से रवि किशन और भोजपुरी जगत के जाने माने चेहरे भी हैं और इस बीच मुश्किलों में पड़ने वाले हैं। दरअसल ये जो महिला है ये कई गंभीर आरोप लगा रही है, कह रही है कि रवि किशन इनके पति हैं, ये जो बच्ची है ये उनकी बेटी है और इस बच्ची को उसके पिता जो हैं अधिकार दे, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो कोर्ट तक जाएंगी और फिर न्यायिक लड़ाई जो है वो लड़ेंगी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो अभी लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी के सांसद रवि किशन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखना दिलचस्प होने वाला है कि जिस तरीके से ये महिला का बयान सामने आया है, वीडियो में क्या कुछ बातें वो कहती दिख रही है, इस पर रवि किशन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं आती है। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।